भाई लोग का हृदय दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। सबसे अहम बात मैं कहने जा रहा हूँ जो आज की पत्रकार परिषद की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बाईपास का काम कंप्लीट हो गया और मंडे को कुछ चंद्रकांत द्वारा पाटिल की गवर्नमेंट मिनिस्टर 10 बजे आके बाईपास ओपन कर रहे हैं। बाईपास और रेती मंदिर का रोड, रेती मंदिर का रोड नेशनल हाईवे का अहमदाबाद नाते से जब मैंने उनसे मुलाकात की तब उन्होंने मुझे वायदा दिया था कि मैं आपको पूरा पढ़ दूंगा और बाईपास हमीद गार्डन से लेके जो आगे तक पूरे पेट्रोल गटरों से भरा हुआ रहता था, सालों साल सब कभी रिपेयर नहीं होता था, आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि आपको मुंबरा से निकलते वक्त मुंबरा स्टेशन का ब्रिज पार करने के बाद खरेगा पुल नाते तक आपको किसी दिक्कत का सामना नहीं पड़ेगा, ना ट्रैफिक लगेगी ना खटे लगेगी। आपको शायद याद होगा कि ट्रैफिक की सबसे बड़ी मुसीबत रेती मंदिर रोड की हुआ करती थी, आज 220 रोड निकल चुके हैं, आगे का रोड कंप्लीट हो चुका है और कहीं पे भी खड्डों का निशाना भी बाकी नहीं होता। एक बड़ा काम हमारे नेता शमीम खान और सभी श्याम पठान अश्विन राव सब सब नगर सेवक बिल्कुल जो हमारे आंदोलन की बात करते थे बाईपास के खिलाफ, बाईपास की मरम्मत करो, बाईपास को अच्छा बनाओ, उसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मंडे को आपके कारणों से आपकी वजह से ये बाईपास पूरी पब्लिक को ओपन हो जाएगा। कल बजट पास हो गया, बजट पे हमारे विरोधी पक्ष नेता ने सिग्नेचर कर दिए और बजट के माध्यम से अलमास कॉलोनी में एक डायलिसिस सेंटर 10 का डायलिसिस सेंटर का काम शुरू हो जाएगा। बारिश खत्म हो गई है, अब बारिश का मुझे हमेशा नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है सभी रस्तों का कॉम्प्लीटीकरण का काम शुरू होके बाई डिसंबर एंड बाई जनवरी एंड 100% उमरा शहर कॉम्प्लीट हो जाएगा। इस बात का गर्व है हमें तो जब हम मराठी पत्रकार रस्ते के बारे में लिखते हैं तो ये जरूर लिखा करते हैं कि जो शहर सबसे ज्यादा खड्डों से भरा हुआ था वो शहर अब कम से कम खड्डे में है। तलवा मुंबरा का उदाहरण देते हैं कि पूरा शहर खड्डे से भरा है लेकिन तलवा मुंबरा मैं पूरा तो नहीं कह सकता लेकिन 90% तलवा मुंबरा में कोई भी खड्डे आपको नजर नहीं आते, ये बड़ी खुशी की बात है। पानी की समस्या हल करने के लिए 216 करोड़ रुपए का टेंडर आने वाले 8-10 दिन में निकलेगा, टेंडर का पूरा पूरा करने के लिए 80 दिन लगते हैं, मेरे ख्याल से बाय अक्टूबर है, अक्टूबर में जैसे जनवरी में पानी का काम शुरू हो जाएगा, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा काम है, पूरी पाइपलाइन नहीं डाली जाएगी और ये पूरा काम किया है। स्टेडियम में अब स्विमिंग पूल शुरू हो चुका है, आने वाले दिनों में फुटबॉल भी वहां पे शुरू हो जाएगा। मैंने बचपन में स्विमिंग पूल देखा था, उसके बाद कभी इतनी गहराई गौर से कभी उसका जायजा नहीं लिया था, लेकिन मैं ये बात बोल सकता हूं कि थाने डिस्ट्रिक्ट का सबसे बेहतरीन स्विमिंग पूल आज उमरा में आ गया है और ओलंपिक साइज परफेक्ट ओलंपिक साइज जिसको बोलते हैं परफेक्ट ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल आ गया है। चौपाटी का काम भी
बोले जोर शोर से चालू है। जब उस रस्ते से गुजरते हैं तो इतिहास याद आता है, तब मुझे भी लगता है सपना देखना, लेकिन ये काम हुआ। जो सपना हमने 2010 में देखा था, मुझे याद है पहली बार कलेक्टर को मैंने 2010 में बोला था चौपाटी के बारे में। आज वो चौपाटी 10 साल के बाद, 2010 में बोलने के बाद 2018 है, 8 साल के बाद मूर्त यानी उसका स्वरूप अब दिख रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन इलाका पहचाना जाएगा। मुंब्रा में मुंब्रा की जो स्टेशन का एरिया है उसकी कीमती भी पड़ेगी, क्योंकि अब स्टेशन सुंदर हो गया है, नजदीक में चौपाटी आएगी, मुंबई जाने आने के लिए रास्ते सही हो गए, तो वो भी एक अच्छा काम अपना हो जाएगा। दूसरा एक मुंब्रा के लिए काम जो शुरू हो गया है, जो शायद आपके नजर में नहीं आएगा, वो आयोली से शुरू हुआ है। आयोली से एक बोगदा निकलेगा, टनल निकलेगा, और वो कालसेकर की तरफ आएगा, और कालसेकर से वो कल्याण की तरफ निकल जाएगा। लेकिन हमको आयोली में जाने में, मुंबई में जाने में, तमसा के लोगों को सिर्फ कालसेकर में एक राइट टर्न मांग दिया, तो आप 8 से 10 मिनट में बिक्रोली की तरफ पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। एक बड़ा काम 2014 में जब मिनिस्टर थाता पन्ना ने पास करवा के लिया था, अब वो काम शुरू हो गया है। ये चंद बातों के लिए मैंने आपको यहां पर बुलाया था। हमारा आइडियल मार्केट का पुनर्वसन हो गया है, कुछ 8-10 साल के बाद उनको गाले अलर्ट कर दिए गए हैं, और वो गाले आज उनके हाथ में देके वो भी बेचारे जो 8-10 साल 15 साल भटक रहे थे उनका भी काम पूरा हो गया। तो ये चंद बातें आपको बताने के लिए हमने बुलाई थी। मुझे लगता है कि जो बाईपास का काम था, वो बाईपास का काम ऐतिहासिक काम था। आज वो बाईपास अपनी ट्रैफिक भी कम कर देगी, आज रेती बंदर का भी ऐतिहासिक काम हो गया। जो ट्रैफिक की समस्या थी मुंब्रा के लिए लगातार हटाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और वो हटने के बाद मुझे लगता है कि मुंब्रा और साफ सुथरा नजर आ जाएगा। हाँ वो स्टेशन के पूरे गांव के लिए हम लोग ने जो लाइन बोली थी कुछ बॉर्डर इलाके में, वो लाइन का काम कल संडे को शायद उसका भूमि पूजन है, कल उसका भूमि पूजन है, स्टैंडिंग में पास हो गई है। शाहू पठान स्टैंडिंग में था, बाईपास करके अभी कल उसका भूमि पूजन है। तो 50 लाख का पूरा पाइपलाइन जो बॉर्डर पाइपलाइन है हिली एरिया में जाएगा, पहाड़ी एरिया में जाएगा, तो उधर भी तकलीफें कम हो जाएगी। लेकिन मुझे खास ध्यान लोगों भूल गया था बोलने का, जो 7 टंकियां हमको बनाने की है, बारिश की वजह से उनका काम रुका हुआ था, उसमें की 3 टंकियां एक चांद नजर में है, सोयल और एक चांद नगर में है, एक शिवाजी नगर में है, एक मुंब्रा की तरफ है, एक गांवदेवी में है। अगर गांवदेवी में हम 20 लाख लीटर की टंकी बनाते हैं तो मेरे ख्याल से और कई सालों तक गांवदेवी के लोगों को पानी की तकलीफें नहीं आएंगी। मेरा मानना है कि अगर अक्टूबर 1 से काम शुरू हो गया तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीने में तक ये टंकियां बन जाएगी और उसका फ्लो शुरू हो जाएगा। तो जो मई महीने में तकलीफें पानी की आती है कि पानी ऊपर चढ़ता नहीं, मुझे लगता है कि वो तकलीफें कम। और जो लगातार जो डेवलपमेंट के बारे में कुछ लोग बोलते रहते हैं उनको जवाब तो मुझे देना नहीं है, लेकिन ये काम फिलहाल आपके नजर के सामने आ जाएंगे। ये काम चालू है और मैं आपको सभी को दावत देता हूँ, मंडे 10 तारीख को 5 बजे बाईपास का उद्घाटन होगा। मां हमारे मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल, जो कि बीजेपी के होने के बावजूद एक आमदार की मांग पे उन्होंने कम से कम 15 करोड़ रुपया हमें दिया है बाईपास और पूरा काम करने के लिए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उनका स्वागत भी जोर शोर से करके और उनसे मांग करने वाले हैं कि बाईपास के ऊपर एक पैरेलल रोड लगाया जाए, ताकि जो रेली वेहीकल है वो आउट एंड आउट मुंब्रा के निकल जाए, ताकि वो रेती बंदर पे भी ना रुके, वो डायरेक्ट जहां पे हमारा विसर्जन घाट है
वहां से अगर वो लैंड हो जाए पुल बन जाए जो उनका प्रस्तावित है उन्होंने ऑलरेडी उसका प्लानिंग करके रखा है तो उसने उसकी मांग कर दी वहां परसो सबको लेके साथ में कि आप ये भी मांग पूरे कर दो। उद्घाटन वो थाना से आने वाले है तो अपन तय कर देंगे अपने को कहा उद्घाटन करेंगे अपन बोलेंगे वहीं पे वो उद्घाटन करेंगे। और किसी को सवाल है ऐसा है कि जैसे शिया तो शिया शिया जमात और दाऊदी घोड़ा जमात से एलओसी लेके उसके लिए बाजू में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि जैसे शिया प्रबस्थान का इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही क्या हम कर सकते हैं क्या इसकी छानबीन चल रहा क्योंकि शिया लोगों ने हमें बताया कि हम पिछले 8 साल से वहां दफन कर रहे हैं और लगातार हम दफन कर रहे हैं 77 साल से 77 से दाऊदी घोड़ा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं 77 से तो हम उसकी छानबीन करेंगे। इसके लिए ही हम इसके लिए हम भागम दौरी कर रहे हैं और इसीलिए टोसा का कब्रस्तान भी अक्टूबर है हाँ दे देंगे। रशीद तंबोल मेरा ऐसा है कि रशीद तंबोल के मामले में आप जो मेरे को सवाल पूछते हैं मुझे रशीद तंबोल का कुछ मालूम ही नहीं है वो जमीन किसकी ये भी मुझे मालूम नहीं कर रहा है वो ये भी मुझे मालूम नहीं मैं हालांकि मैं दीन और तुम्हारे धर्म के मामले में बहुत दूर रहता हूँ मैं कभी भी इस मसले में जाता नहीं हूँ ये मेरा काम नहीं है। रशीद तंबोल का कब्रस्तान जो भी कोई बना रहा है शायद आप उसको जानते भी हो मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ आप उनसे सवाल पूछने मेरा कोई लेना नहीं आपको जल्दी ये पत्रकार इसके लिए नहीं बुलाई थी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आपको जल्दी उसके बारे में इसके बारे में जल्दी आपको अवगत कर दूंगा। ऐसा है कि वो फुटपाथ के लिए जो 30-25 करोड़ रुपए का निधि मंजूर हो गया है वो अभी काम शुरू हो जाएगा। बारिश में कोई भी काम करने से काम अच्छा नहीं होता है जरा आप काम करो कंक्रीट का ऊपर से बारिश आ गई तो फिर कंकर दिखने लगते हैं और काम फेल हो जाता है तो बारिश में कोई काम करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी अक्टूबर 1 से काम शुरू हो जाएगा और जून तक चलेगा तब तक मेरे ख्याल से स्टेशन से लेके शिमला पार्क तक फुटपाथ का रूट लाएंगे वो पूरा शौचालय तो बन रहा है कि शौचालय बनाना है उसकी वजह जगह नहीं है ना शौचालय बनाए तो काम आता है। ऐसा है कि उपरा में सबसे बड़े समस्या है जमीन चाहो मेरे हम तो बहुत चाहते रखे कि रस्ते बड़े कर दो अंदर की गलियां बंद कर दो कहा करो सर। लेकिन आज शहर के अंदर कंस्ट्रक्शन मेन रोड पर चल रहा है आयुष साहब ने जो कार्रवाई की वो तो दैट वाज द बिगेस्ट डिजास्टर उन्होंने कार्रवाई की है बड़ी कार्रवाई यू आई कैन नॉट क्वेश्चन द कमिश्नर्स अथॉरिटी नो ही इज आंसरेबल सर व्हाई इज नॉट आंसरेबल यू नो हाउ आवर कमिश्नर इज इज वेरी क्लोज टू यू आई एम क्लोज टू एवरीबॉडी इवन टू यू सो दैट डजंट मीन आई एग्री विद यू आपको बताता हूँ कि उन लोग ने एक लाइन निकाली जिसको आउट ऑफ डीपी बोल रहे हैं डीपी का रास्ता जो है डीपी के रास्ते पे किसी को बनाने नहीं मिलेंगे अगर वो डीपी के बाहर है यानी जो डीपी मंजूर डीपी है उसके बाहर है तो शायद म्यूनिसिपालिटी उनके बारे में सोची थी ये धोरण नहीं है भाई मुझे मालूम नहीं है तुम तो मेरे नाम पे बिल फाड़ दो आवाज साहब ने बोला मेरा धोरण नहीं है म्यूनिसिपालिटी देखिए ठीक है।